और उद्धव ठाकरे सुन ले, कान खोल के सुन ले, तेरा बाप अर्णब गोस्वामी बाहर आ गया है और पूछता है भारत में आके, फिर पूछेगा कुत्ते कहाँ है तू। और उद्धव ठाकरे तेरी छाती पे लात मारेंगे, अनिल देशमुख तेरी छाती पे लात मारेंगे, काले कौवे संजय राउत तेरी छाती पे लात मारेंगे। सुन अनिल देशमुख, सुन शरद पवार, दाऊद जो तेरा बाप है दाऊद, जिसको तूने जन्म दिया था उस आतंकवादी को तेरी छाती पे लात मारेंगे और तेरी सरकार को गिराएंगे। और अब तेरा बाप अर्णब आ गया है और अब इसके बाद दिशा सालियान, जिया खान और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाएंगे हम। अर्णब सर, आप सच के साथ थे इसलिए आपकी जीत हुई है। आप सच के साथ हमेशा रहिएगा और हम आपको ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, रिपब्लिक भारत को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है आज। तुम सबकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और अब जहाँ तुम छुप सकते हो छुपने की जगह ढूंढ लो, क्योंकि अब अर्णब गोस्वामी तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला है। और इस बार पूरे जोश से पूछता है भारत में, तुम सबको नंगा करेगा अर्णब गोस्वामी। जो की सच्चाई की जीत हुई है आज, आज दिवाली हुई है। ये संविधान की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये ईमानदारी की जीत है, ये कौरवों पर पांडवों की जीत है ये। और उद्धव ठाकरे सुन ले, कान खोल के सुन ले, तेरा बाप अर्णब गोस्वामी बाहर आ गया है और पूछता है भारत में आके, फिर पूछेगा कुत्ते कहाँ है तू। अब बच्चा 20 तारीख को भारत की जनता दिल्ली से पैदल चल के मुंबई आ रही है और उद्धव ठाकरे तेरी छाती पे लात मारेंगे, अनिल देशमुख तेरी छाती पे लात मारेंगे, काले कौवे संजय राउत तेरी छाती पे लात मारेंगे। सुन अनिल देशमुख, सुन शरद पवार, दाऊद जो तेरा बाप है दाऊद, जिसको तूने जन्म दिया था उस आतंकवादी को तेरी छाती पे लात मारेंगे और तेरी सरकार को गिराएंगे। और अब तेरा बाप अर्णब आ गया है और अब इसके बाद दिशा सालियान, जिया खान और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाएंगे हम। और अगर इंसाफ नहीं मिला तो अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, इंसाफ वो लेके आएगी। प्यार से नहीं मिलेगा तो छीन के इंसाफ लेंगे। सर, कितना बड़ा तमाचा लगा है उन लोगों के लिए जो ये बोल रहे थे कि अर्णब गोस्वामी जी की जो दिवाली है वो जेल में मनेगी और उनकी दिवाली अंधकार में मनेगी, कितना बड़ा तमाचा उन लोगों का। भाई ये तमाचा नहीं है, ये उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के मुंह पे जूता है, 9 नंबर का जूता है। एक तरफ से देखेगा 6, एक तरफ से देखेगा 9, बहुत बड़ा जूता है, बहुत बड़ा तमाचा है ये। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से आज जो सत्य की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को हमेशा से भरोसा रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट उस चीज पर खड़ी उतरे, कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, हम 8 दिन से जंतर मंतर पे जीत की लड़ाई लड़ रहे थे और आज हम जीत चुके हैं। देखिए हमारे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी हम अर्णब के लिए बहुत खुश है और हम यही कहेंगे, अर्णब सर आप सच के साथ थे इसलिए आपकी जीत हुई है। आप सच के साथ हमेशा रहिएगा और हम आपको ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, रिपब्लिक भारत को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है आज और हम बहुत खुश हैं अर्णब सर के लिए। सर बार बार लगातार अर्णब गोस्वामी जी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद उनको 8 दिन पहले असॉल्ट किया गया और आज 8 दिन बाद वो बाहर आ गए हैं। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अब क्या उद्धव ठाकरे डर गए हैं या फिर वो वापस से आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ करेंगे जो अर्णब गोस्वामी जी को और रिपब्लिक भारत को फिर से टारगेट करेंगे, ऐसे देखते हैं आप इस चीज़? देखिए कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, तो सत्य परेशान जरूर होगा लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। अर्णब गोस्वामी सच के साथ थे इसलिए उनकी जीत हुई है और उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह और अनिल देशमुख, ये जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, ये सचिन वाजे, जितने भी ये षड्यंत्रकारी हैं, इनका काम है षड्यंत्र रचना, ये षड्यंत्र रचते रहेंगे पर जीत सिर्फ अर्णब गोस्वामी की ही होगी, रिपब्लिक भारत की ही होगी। सर जिस तरीके से अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत जी का पोस्टर पकड़ा हुआ है अपने पास और अब जो सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए लड़ रहे थे वो भी अब बाहर आ गए, तो किस तरीके से देखते हैं अब सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए अब वापस से लड़ाई शुरू हो जाएगी? जी, सुशांत सिंह राजपूत जी की जब हत्या कर दी गई उसके बाद से हमारा जो है संविधान से, इस देश के कानून से हमारा विश्वास एकदम उठ चुका था, हम निराश हो चुके थे। फिर उसके बाद कंगना जी के साथ जो हुआ, वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर के साथ जो हुआ, मतलब जो जिस तरह से बुरा वक्त चल रहा है हम लोगों का, स्पेशली जो मुंबई सरकार जो कर रही है उससे हम सब दुखी थे, लेकिन आज जो फैसला आया है, अर्णब जी को रिहाई मिली है, उससे हमारा विश्वास फिर से हमारे देश की गवर्नमेंट पे जाग चुका है और हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश के संविधान में देर है पर अंधेर नहीं। और मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली
जितने भी अर्नब गोस्वामी जी का चाहने वाले हैं रिपब्लिक भारत जी वालों को, आज हमारी असली दिवाली है। वैसे तो शनिवार और रविवार को है, लेकिन आज हमारे लिए हमारी जो दिवाली है वो आज के दिन है। आज के दिन हमारे जो मीडिया हाउस जो है उसके श्री राम श्री अर्नब गोस्वामी जी को आज रिहाई मिली है, और जो रावण है इस देश के अनिल देशमुख संजय राउत इन सबके आज वध करके हमारे श्री राम जी हमारे वापस आज लौट रहे हैं, और उनका तहे दिल से हम स्वागत करेंगे। और हमें इंतज़ार है पूछता है भारत के उस एपिसोड का जिसमें अब अर्नब गोस्वामी जी वापस आएंगे और एक एक करके संजय राउत अनिल देशमुख आदित्य ठाकरे इन सबकी वाट लगाएंगे। और जो है हमारे अर्नब गोस्वामी पूरी रिपब्लिक टीम को धन्यवाद, जो सच के साथ लड़ते हैं उनकी जीत कभी ना कभी होती है, और आज हमारे सत्य की जीत हुई है, आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, और आज हम सबका चिल्ला चिल्ला के खुशी से नाच नाच के पिछले 3 घंटे से हम नाचे जा रहे हैं, हमने दिया जलाया है अर्नब जी की रिहाई की खुशी में, और फिर जो है आज जो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब मुंबई की जो सरकार है अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, हमारा शेर हमारा अर्नब गोस्वामी सलाखों की जंजीरें तोड़ के बाहर आ चुका है, और अब तुम सबकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, और एक एक करके वो अपने दुश्मनों से बदला लेगा। अब तुम सबकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, और अब जहाँ तुम छुप सकते हो छुपने की जगह ढूंढ लो, क्योंकि अब अर्नब गोस्वामी तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला है, और इस बार पूरे जोश से पूछता है भारत में तुम सबको नंगा करेगा अर्नब गोस्वामी। उल्टी गिनती चालू, अर्नब गोस्वामी वेलकम बैक, हैप्पी दिवाली टू रिपब्लिक भारत। सर जिस तरीके से आज अर्नब गोस्वामी जी की रिहाई हो चुकी है, तो कितना बड़ा तमाचा उन लोगों के लिए जो लोग ये बोल रहे थे अर्नब गोस्वामी की जो दिवाली है वो अंधकार में बनेगी और जेल में बनेगी। वो तो इसलिए बोल रहे थे ना क्योंकि हाईकोर्ट महाराष्ट्र में जो हाईकोर्ट है वो उसने नकार कर दिया था, उसने नकार दिया था, तो ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो ये चीज़ वो भूल चुके हैं। और अभी इन्होंने रिजल्ट देख ही लिया होगा कि क्या रिजल्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को रिहा कर दिया है। सर बार बार लगातार अर्नब गोस्वामी जी को असॉल्ट किया गया था, और अभी 8 दिन पहले जिस तरीके से उनको घर से उठा के ले गए, आज 8 दिन बाद वो वापस आए, तो अब जब वो पूछता है भारत करेंगे, तो क्या जितने भी ये लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे क्या वो थरथराएंगे? वो तो ऑब्वियसली थरथराएंगे, और अर्नब इस बार जो नया रूप निकलेगा अर्नब जी का वो थोड़ा अलग ही होगा, क्योंकि उन्होंने मतलब आगे जेल में इतना उनको टॉर्चर हुआ है, असॉल्ट हुए हैं वो, तो अब वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाले, चाहे वो सुशांत का केस हो या पालघर का केस हो या चाहे उन्होंने नेवी को जिसको मारा गया है उसका केस हो, वो शांत नहीं बैठने वाले। मैम आप किस तरीके से देखती हैं इस चीज़ को, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला आज ले लिया है 8 दिन के बाद, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? ये तो बहुत हमारे लिए तो जीत है, हमारे लिए सभी के लिए जीत है, क्योंकि ये तो जो हुआ है, जो एक मैंने आपको पहले भी शायद बोला था कि जिस करवा चौथ वाले दिन एक लेडी के हस्बैंड को जिस तरीके से लेके गए, तो राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, जिस तरीके से ऐसे किसी को लेके नहीं जाते, इन्होंने जो हरकत करी उसका तो देखो भगवान देखेगा, मगर अब जो अर्नब जी आए हैं और अब देखना अब क्या होगा आगे, अच्छा ही होगा। हम पॉजिटिव हैं, इस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं, जो कि सच्चाई की जीत हुई है, आज दिवाली हुई है। हम बात करें कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार, मैं कहती हूँ हमारी दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है, हमारी दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र पुलिस से हमारी दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है, जो कि हमारी दिल्ली पुलिस बहुत सपोर्ट करती है गलत को और सही को, जो बॉम्बे की पुलिस वो देख ली हमने, जो अन्याय करती है ये लोग, ये घटिया लोग हैं। मैम भाई मैं पूछ रहा था कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जो है जिस तरीके की ये बर्बरता और जिस तरीके से ये टॉर्चर कर रहे थे रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी जी को, तो क्या इनके पीछे कोई भारी ताकत थी, क्या इनसे बड़ा भी कोई है? इनसे बड़ा तो वही है जो मिस्टर बाल ठाकरे की, जो उदय ठाकरे जो है उन्हीं का सब कुछ करता, वही करता धरता है, और उनका देखो अब क्या होगा, ये तो भगवान ही मालिक है ना, अब तो जो उनके फादर थे उनका तो सभी सब प्रणाम करते हैं, मगर उनकी शिक्षा पे उनका बेटा नहीं चल रहा, वो सब गुंडागर्दी जो मचाई हुई है ना उस चीज़ के लिए अब सब तैयार है, अब दुनिया तैयार है, अर्नब जी के साथ दुनिया है, इन्होंने कितने गलत काम करे, वो कंगना का घर जो उसकी जो बनाया हुआ था उसकी मेहनत का जो भी था वो तोड़ दिया, तब किसी ने कुछ नहीं करा, वो बेचारी लड़की उसको वहाँ घर बैठा दिया, कोई लड़की को घर भी बैठा दिया इसने, सर ये दरिंदा है, दरिंदों की मतलब हार है,